हाँ जी, तो ये 4 से 5 दिन के बाद जो है देखते हैं मेहनत कितना रंग लेके आई है, कितनी सोच उतरी है और कितना सारा कुछ हुआ है उसके, मतलब पाँव के अंदर कितनी बेहतरी है। इलाज किन से करेंगे आपको फिर बता देता हूँ। रोज़ पट्टी बदली गई, तैयब उसकी पट्टी बदलता था बिला नागा। किन चीज़ों से बदल रहा था वो आपको दिखा देता हूँ, वही सेम चीज़ें हैं। एक आप ये पानी लेके आ सकते हैं, मेडिसोल इसका नाम है, इससे पाँव की सफाई होती है, मतलब पानी डाल के अच्छे से सफाई की जाती है इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये ड्रिप है बेसिकली। दूसरी चीज़ सिकाटिन पाउडर है, मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले भी। तीसरी चीज़ आपके पास स्पिरिट है, ठीक है। और आखिरी चीज़ आपके पास बैरूनी ज़ख्मों को सही करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस, पॉलीफेक्स शादी मिले वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं चारों चीज़ों से हम इसका इलाज कर रहे हैं और इन्हीं से इलाज हम करते हैं। सादी चीज़ें, जितनी सिंपलीफाई चीज़ों को रखेंगे उतना है। लोग देसी चीज़ें बताएंगे आपको, देसी टोटके बताएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों का उतना फ़ायदा नहीं होता, उतना तेज़ी से फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा ये चीज़ें करती हैं। क्योंकि ये हैं ही दवाइयाँ, अद्वियात, ये वही चीज़ें हैं जिनसे ये ऐसी बीमारियों का या ऐसे इन्फेक्शन का हल किया जाता है। देसी टोटके इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन उन टोटकों से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और इतना परमानेंट फ़ायदा नहीं होता जितना इन दवाइयों से होता है। अगर इनसे फ़ायदा ना होता तो देसी टोटके आज ख़त्म ना होते, ये समझने वाली बात है। और हर जगह पे इन चीज़ों की इतनी रसाई है कि आप कहीं से भी चीज़ खरीद सकते हैं। अब तो गाँव में, देहात में, शहरों में हर जगह चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं आपको। उससे पहले ये वाला पाँव है जी, ये हर रोज़ पट्टी इसकी बदली जाती है, ठीक है। और इसको भी काटते हैं पट्टी को और चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट। हाँ जी, तो ये कंडीशन है जी इसकी, ठीक है। सोज बहुत हद तक उतर चुकी है, ज़ख़म ऑलमोस्ट पक चुका है इसका, सोज सारी ख़त्म है। नीचे से भी पाँव इसका साफ़ हो चुका है, ठीक है। ये अब मेहनत है, जितनी ये मेहनत करेगा तैयब उस हिसाब से इसका पाँव ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, पहले से बहुत बेहतर है, पाँव नीचे लगाने लग गया। तो यहाँ तक ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग भी मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वो मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो मेहनत करें और चीज़ों को ठीक करने के लिए ही हमेशा काम करें। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो इकट्ठी कर रहा हूँ, बनाता जाऊँगा और आप लोगों को सेंड करता जाऊँगा, मतलब अपलोड करता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।